बच्चों आज फिर पुनः आज आप कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर 7 से हल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे और प्रश्न नंबर 6 जो है उसी इस तरह के सवाल हम कई आपको हल करके दे चुके हैं। प्रश्न है 6, HCF 120 और 225 का है 15, तो LCM पूछ रहा है, तो LCM के सूत्र में जो मैंने चारों सूत्र लिखा उसी में रख देंगे कि संख्याओं का गुणनफल बटे मासा, और आप सरल कर लेंगे तो वही आपका आ जाएगा सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात करना है। ऐसे आपका चित्र बना हुआ है, आपको x और y का मान निकालना है। अब देखिए हम इसको हल कर रहे हैं। अब देख रहे हैं आप y पर जो है सबसे नीचे की ओर देखिए 3 और 7 है, तो 3 और 7 का गुणा करिए, 3 × 7 = 21, तो x का मान 21 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 21। अब यहाँ x के मान कितना हुआ, 21। अब 21 और 4 का गुणा कर दीजिए तो y का मान पता हो जाएगा, 21 × 4, 21 × 84 84 हो गया y का मान। यही दो मान इसका पूछ रहा था। ये एक नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 8 है, 18 और 117 के HCF को 18m ऋण 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल पहले भी हल कर दिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल को हम एक पूरा हल कर दे रहे हैं। 8वां क्वेश्चन नंबर 8 है, कराए 18 एवं 117। अब पहले इसका हम क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF निकालेंगे। तो अब 18 का गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 3, द्वितीय छात्रिक 18। अब 117 का निकालिए, इसका होगा 13 × 3 × 3, 3 × 9 = 13, 9 = 117। अब मासा, दो पद है तो जो दोनों में हो वही लिया जाता है, ये 3 है दोनों में 3, और इस 3 भी ले लीजिए, 3 × 9, इसका मासा कितना हुआ, 9। अब ये 9 ना दे करके इसने कहा है कि इसका मासा है, 9 बराबर है किसके, प्रश्न अनुसार अब ये मासा बराबर है 18m − 117, ये आपके किताब में दिया गया है, देख रहे हैं ना, 18m ऋण 117 के रूप में दिया गया है, तो m का मान पूछ रहा है, तो ये बराबर है 9 के, तो 18m बराबर, पक्षांतर करना आप जानते हैं, जब आप उधर ले जाएंगे दाहिनी तरफ तो ऋण है तो धन हो जाएगा 117, और 9 × 7 = 16, 1 + 1 = 2, 1, 18m = 126, तो m बराबर 18 × 9 = 126, 7 बार। अब m का मान कितना हो गया, 7, और इसका कह रहा है कि 18 और 117 का LCM भी पूछ रहा है, तो यही जो गुणनखंड किए हैं मासा भी निकल आता है, यहीं से लासा भी निकल आता है, तो लासा बराबर अगर यहीं लिख देंगे तो जो आया है जो दोनों में है 3 × 3 लिखेंगे, और जो नहीं है उसको भी उतार लिया जाता है, 2 और 3 = 2 और 13। अब गुणा कर लीजिए, 3 × 9 = 18 × 13, 18 × 13 कर लीजिए, 13 × 104 = 4 हंसी लगा 10, 13 × 9 = 13, 10 = 23, 234 इसका लासा होगा। इस तरह का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए कैसा है, ये जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंग 0 पर समाप्त हो सकते हैं। इस तरह का एक उदाहरण दिया गया है और एक है, यह भी एक नंबर या दो नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें लिखने के लिए है आपको ज़्यादा। देखिए अब ये प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आप देखिए हल क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n 0 पर समाप्त होगी तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। मतलब कहने का मतलब है कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या ही 6 घाते n के रूप में लिखा जा सकता है।
कि अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 6n का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3n, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 ही होगा। इसी कारण है अतः 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 3 के अतिरिक्त 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त हो। इस क्वेश्चन नंबर 9, इसको केवल लिखना है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन नंबर है 10। व्याख्या कीजिए, बता मतलब इसके बारे में बताइए कि 7 × 11 × 13 × 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5 भाज्य संख्याएं हैं और क्यों, कारण भी बताना है आपको। अब इसके लिए पहले पता लगाइए कि भाज्य हैं कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है 7 × 11 × 13 और 13। ये इसको देखिए, इसी तरह से अगला खंड भी है 7 × 11 × 13 × 13। पहले इसको गुणा करिए तीनों को। अब इस सूत्र का याद होना चाहिए कि कब कई चिन्ह हो, जैसे गुणा भी है धन है, तो का को पहले काटिए ता पीछे दे भाग, गुणा करें फिर अंत में धन ऋण नंबर लाग। तो 11 × 7 = 77 पहले गुणा करेंगे, फिर 13 से गुणा करेंगे, धन 13 पहले गुणा कर लीजिए। 13 × 7 = 91 1 + 9 = 91 900 हो जाएगा, मतलब 1001 अधन 13 जोड़ दीजिए इसमें आप, तो 1 जोड़ देंगे 13, 1014 हो जाएगा। अब आप देखिए 1014 का इकाई अंक क्या है, 4 है। अब व्याख्या पूछ रहा था, व्याख्या आप लिखेंगे, व्याख्या आप लिखेंगे यदि संख्या के इकाई का अंक जीरो एवं सम अंक हो तो वह संख्या भाज्य होती है। भाज्य होती है, ये इसका कारण है। कहने का मतलब यह संख्या 2 से कट जाएगी 4 से कट जाएगी, अच्छा इसके कई खंड हो जाएंगे तो यह भाज्य है। कहने का मतलब है इतना खंड करने के बाद इकाई का अंक आप देख लेंगे। अब यही कारण है, इसका दूसरा पद भी दिया गया है, यही कारण आप लिख देंगे, दो पद हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख रहे हैं, मनोहर प्रकाशन में ही सभी प्रश्न आपको मिलेंगे। एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान में चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, किसको, रवि को। मान लीजिए कि दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। अब दोनों साथ चलते हैं इसलिए 14, 18 और 12 का लासा निकालेंगे, 18 एवं 12 का लासा आप निकाल लीजिए, जो होगा यही उत्तर हो जाएगा। अब लासा इसका कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 18 का 2 × 3 × 3, 2 × 3 = 18, 12 का लिखेंगे 2 × 2 × 3। अब लासा बराबर, पहले जो दोनों में है 2 है, दोनों में 2 लिख दीजिए, फिर गुणे ये 3 दोनों में है 3 लिख दीजिए, 2 और 3 नहीं है इसको भी लिख दीजिए, तो 2 × 6 × 12 = 36। 36 मिनट बाद पुनः दोनों एक साथ मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। 12 में भी वही उसी तरह से है, आप देख रहे हैं यक्स वाई का मान निकालना है। अब यहाँ ऊपर यक्स है, इसके 2 गुणनखंड है कौन, 195 और 3, गुणा कर देंगे तो यक्ष का मान आ जाएगा, इसका दोनों का गुणा कर देंगे तो यक्ष का मान आ जाएगा, और 3 और 195 का गुणा कर देंगे यहाँ पर जो है तो वाई का मान आ जाएगा। इस तरह से इसका नीचे वाले दोनों गुणा कर लेंगे तो इसके बराबर वाई आ जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लगाया है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है, आप सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से
व्याख्या कीजिए कि 7 × 13 × 11 = 11 और 7 × 6 × 5 = 4 × 3 की मतलब भाज संख्याएं हैं। इसको हल कर लेंगे। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो संख्या भाज होगी, नहीं तो अभाज होगी। पूछ रहा है भाज होगी क्यों, व्याख्या करना यही लिख देना है आपको। पुनः सवाल नंबर 14 में भी देख लीजिए, वही क्वेश्चन है। 14 हम लगा दे रहे हैं पुनः एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 चित्र हम बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, देख रहे हैं आप। नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात करना है। सबसे पहले y लिखा गया है ऊपर और इसके दो खंड किए गए हैं, 2 × 2 = 33, 81। तो 1 × 33 = 81 में 2 से गुणा कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। 1 x का मान देख रहे हैं ना, तो 2 से गुणा कर दीजिए इसमें। 2 × 2 = 2, 2 × 8 = 16, 1 × 2 = 6, 7 और 2 × 3 = 6। ये x का मान आ गया। अब y के मान भी आप देख रहे हैं कि 1 × 33 = 81 के दो खंड है 3 और y, तो y का मान हमें निकालना है। 33 = 81 में 3 से भाग दे दीजिए। 33 = 81 में 3 से भाग दे दीजिए। 33 = 81 में जब 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3 × 3, 3 × 3, 3 × 6 और 3 × 7 = 21। वाई का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं नीचे में जेड का मान पूछ रहा है, मतलब 161 के दो खंड है 7 और जेड, तो यहाँ जेड किसका होगा, 7 से भाग देंगे 161 में, तो 7 × 2 = 14 और 2 × 21 = 7 × 21 = 23 आएगा, मतलब जेड का मान 23 होगा। देख रहे हैं ना, इस तरह से यह प्रश्नावली आपका पूरा विधिवत समाप्त हुआ। और यदि आप मुझसे जुड़े रहते हैं तो प्रतिवर्ष आपको अर्धवार्षिक वार्षिक का मार्जल पेपर मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।